अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाकियत के साथ होंगे। तो आज आपको मैं डर्माकोस के बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हम आज आपको डर्माकोस की बहुत सी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देंगे, उसको आपको उसके अलामत बताएंगे, बहुत सी यूज़फुल आपको जो टिप्स हैं वो देंगे, उसका फ़ायदा बताएंगे, नुकसान बताएंगे, और आपको बहुत सारा इसके बारे में बताएंगे कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या क्या होता है। तो हमारे साथ एंड तक रहिएगा। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले डर्माकोस के जो है ना फेशियल वॉश, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये फेशियल वॉश जो है, ये फेस वॉश है। आपने रोज़ाना इसके साथ अपना फेस वॉश कर लेना है। इसके फेस वॉश का आपको ये फ़ायदा है कि आपकी जो स्किन है वो स्लोली स्लोली जो है आपकी जो है स्किन वो वाइट होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो स्किन है वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जब भी अपना जो है फेस वॉश करना है तो इस फेस वॉश के साथ आपने अपना फेस वॉश करना है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगी, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। डर्माकोस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और स्लोली स्लोली आपका जो कलर है वो फेयर होना शुरू हो जाता है। तो इस फेस वॉश को आपने जब भी फेस वॉश करना है तो आपने इसको यूज़ करना है, या सुबह जब आप उठते हैं तो आपने अपने फेस को इस फेस वॉश से यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें वो है ऑक्सीजन स्किन ग्लास। ये जो है शाइनिंग होती है, तो ये आपने अगर आप चाहें तो जब आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद आप जो है ये शाइनिंग जो है ना अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से इसको रब कर सकते हैं, मतलब लगा दें, तो आपकी जो फुल डे है वो आपका जो है फेस वो शाइन करता रहेगा। लेकिन अगर इसको आप नहीं लगाना चाहते तो वो आपके लिए ऑप्शनल है। वैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपसे तब ये फेस जो मैं आपको बताया है स्किन ग्लास ये आप लगा सकते हैं। ये इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको ये ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएंगी, आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होंगी। डर्माकोस की प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में। डर्माकोस की जो है फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटर ये है, और नेक्स्ट जो है फेशियल ब्लॉन्ड एक्टिवेटर। अच्छा, ये है फेशियल जो है ना इसके साथ हमने ब्लीच करनी होती है, तो ये भी आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है कि ये जो है क्रीम है, और आपने 1 टेबल स्पून अगर क्रीम का यूज़ किया है तो आपने 1/2 टेबल स्पून जो है पाउडर इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इस वजह से भी आपने पाउडर का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से होता है कि हमारे पास जो पाउडर की जो बॉटल होती है वो ज़्यादा जो है बच जाती है, बॉटल होती है वो आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके लिए जो टिप है वो ये है कि आपके पास अगर जो बॉटल है पाउडर वाली, ये अगर आपके पास अभी तक आधी मौजूद है और ये आपकी फिनिश हो गई है, तो आपने क्या करना है कि ये दोबारा आपने बाय कर लेनी है और इसी पाउडर के साथ ये आपकी जल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी सी जो है टिप्स हैं, आप नोट कर लें। तो ये है कि जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, जिनकी फेस पे बहुत ज़्यादा जो है दाने निकल आते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी आपने ये है कि आपने ना थोड़ी सी ना कोई भी क्रीम यूज़ कर लेनी है, जैसे ओलिविया क्रीम होगी, डव केयर, कोई भी आपने बीच में ऐड करनी है ताकि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो ये आपने जो 15 डेज़ बाद आपने जो है इसको अप्लाई करना है, रोज़ इसको यूज़ नहीं करना, ये आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह है। तो आपने इसको रोज़ इस्तेमाल नहीं करना, आप हफ्ते बाद कर सकते हैं या 15 डेज़ के बाद या आफ्टर वन जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इन दोनों को आपने ऐड करके बीच में कोई और क्रीम ऐड करके आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है हल्के हाथों से। फिर आपने 20 मिनट तक इसको लगा रहने देना है, 20 मिनट बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। और उसके बाद और एक और इम्पॉर्टेंट टिप की जो मैंने आपको ग्लास बताया, स्किन ग्लास है जिसमें जिसके साथ शाइनिंग आती है, पॉलिश क्रीम है जो, वो आप भी इस बीच में ऐड कर सकते हैं, तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। ये आपके लिए एक आप इन तीनों का कम्बिनेशन कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो आप इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो है एक्वा वाटर, इसमें मौजूद होता है,
और ये आल स्किन के लिए सूटेबल है। आप ये जो डर्माकोस के जो आपको मैंने ब्लंट एक्टिवेटर बताया है, ये तमाम जो है स्किन्स के लिए जो है अवेलेबल, मतलब किसी भी ये पर इफेक्ट नहीं करेगा। स्पेशल के लिए नहीं है कि एक ही स्किन पे ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, तमाम जो ऑल स्किन है उसके लिए ये मैंने आपको बताया कि ऑल स्किन के लिए सूटेबल है। और सेंसिटिव स्किन यूज़ क्वेश्चनली, मतलब आप सेंसिटिव स्किन वाले खुद, अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया ना कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप इसमें बीच में कोई और क्रीम ऐड करके इस्तेमाल करें, लेकिन वैसे बहुत ये सूटेबल है हर के लिए। डस्ट फ्री है ये जो आपको मैंने ये बताया, और ब्राइटनिंग कंडीशनर मॉइस्चराइजर नॉन इरिटेटिंग प्यूरिफाइंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप बाय करना चाहें तो आप इसको ईजिली बाय कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, स्मूथिंग ऑक्सीजनेट। नेक्स्ट ये जो है इसका भी आप देख लें, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, सोप फ्री है, फोमिंग है, रिफ्रेशिंग है। तो ये चारों आप देख लें, अगर आपने बाय करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरी आपको ये बात बताती चलूँ कि आप इन दोनों का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कि आपने फेस वॉश के बाद स्किन जो ग्लो है इसको यूज़ कर लेना है। आप इन तीनों का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश यूज़ करें ताकि आपकी स्किन जो है ग्लो करे, वाइट होना स्टार्ट हो जाए। फेशियल क्रीम से भी इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो स्किन है स्लोली स्लोली वाइट होना शुरू हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो आपने ये तमाम प्रोडक्ट्स अपने पास रख सकती हैं अगर आप रोज़ाना पार्लर नहीं जाना चाहते। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप ये चार प्रोडक्ट्स जो हैं डर्माकोस की, चारों मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं डर्माकोस की हैं, आपको कहीं से भी अवेलेबल होंगी, तो आप ये अपने पास रख लें तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं को रोजाना से यूज कर सकते हैं, जैसे फेस वॉश हो गया, स्किन पॉलिश हो गई, इससे आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, वाइटनेस लाएगा, फेशियल आप कर लें तो ये आपके तमाम चीज़ें बहुत हैं, आपने पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह आप चारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन आपके पास कोई भी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।